हेलो माय डियर चिल्ड्रंस, गुड आफ्टरनून। से गुड आफ्टरनून टीचर। आपको क्या विश करना है? जब टीचर विश करते हैं गुड आफ्टरनून, है ना। और टीचर ने आपको ये भी बताया था कि मॉर्निंग में आपके मम्मी पापा को क्या विश करना है? गुड मॉर्निंग। किस किस ने विश किया? सब लोग ने विश किए। ये गुड मैनर्स होते हैं, ओके। तो आपको अच्छे से विश करना है, ठीक है। कोई भी आपको मिलते हैं, आपसे बड़े रहेंगे छोटे रहेंगे, उनको आपको क्या विश करना है? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। जैसे शाम होती है तो क्या बोलना है? गुड इवनिंग। एंड रात को सोने के टाइम पे क्या बोलना है? गुड नाइट, ओके। तो सब लोग बोलोगे ना, तो एक बार लाउडली फिर से विश कीजिए। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, से गुड आफ्टरनून टीचर लाउडली, से अगेन, वेरी गुड, ओके। सो स्टूडेंट्स, सब लोग ने, हम लोग ने अभी कौन से अपने टॉपिक पे आए? स्टोरी पे, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको फिर से एक बार बुक्स के बारे में बताती हूँ। हम लोग कौन सी बुक स्टार्ट कर रहे हैं? बुक नंबर 1, ओके। सी दिस लेवल बी बुक नंबर 1, ओके। जिनके पास ये बुक नहीं है तो अपने स्कूल ऑफिस में अवेलेबल है, तो आपको जाके वो परचेस करना है, ओके। क्योंकि इसी बुक में, वर्कबुक में हम लोग को इंग्लिश, मैथ्स, जीके, कन्वर्सेशन, पोएम एंड स्टोरी, सारा सब्जेक्ट इसी बुक में, तो आपको ये कंपलसरी लेना ही है, ओके। ताकि आपको रिवाइज करने के लिए ईजी हो जाए, ओके। तो अभी सबसे पहले लेक्चर कौन सा हुआ? इंग्लिश का, ओके। तो अभी हम लोग का कौन सा लेक्चर है? स्टोरी, ओके। तो स्टोरी से कुछ याद आया? हम लोग कहाँ तक स्टोरी पढ़े थे? कौन सी स्टोरी पढ़े थे? किसी किस को याद है? किसी को याद है हम लोग कहाँ तक स्टोरी पढ़े थे और कौन सी स्टोरी पढ़े थे? द हंटर एंड द पिजन। सुनाइए ना सब लोग ने, द हंटर एंड द पिजन, है ना। ये वाली स्टोरी हम लोग अच्छे से रीड किए थे, पढ़ रहे थे और अभी लर्न कर रहे थे, है ना। तो मैं फिर से आपको एक बार वो स्टोरी एक्सप्लेन करूंगी, ओके। एक बार सबसे, जो भी न्यू स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए मैं रिवाइज करूंगी, ओके। तो सबसे पहले ओपन दी पेज नंबर 52, ओके। लास्ट पेज 52 पेज नंबर ओपन कीजिए, ओके। तब तक मैं ये बोर्ड पे अपना स्टोरी नेम डाल दूंगी। What is today's date? 18/6/21. Okay. Story. The Hunter and the Pigeon. ओके, तो सबसे पहले मैं एक बार फिर से रीड करूंगी, आपको एक्सप्लेन करूंगी, ओके। द हंटर एंड द पिजन, ओके। तो सब लोग आप मेरे पीछे रिपीट करोगे, हाँ, जो टीचर बोलेगी वो आपको रिपीट करना है, ओके। वन डे, से लाउडली, वन डे ए फ्लॉक ऑफ, से अगेन, वन डे ए फ्लॉक ऑफ flying pigeons saw grains scattered on the ground, okay. सबको समझ में आया? One day a flock of flying pigeons saw grains scattered on the ground, okay. Seeing the grains, they flew down and began to eat them. Okay? सब लोग ध्यान से पढ़ रहे ना, जो टीचर आपको बोल रहे बता रहे वो आपको अच्छे से सुनना है, ओके। द हंटर हैड केप्ट द ट्रैप ऑन द स्पॉट, ओके, विच द पिजन्स डिड नॉट सी एंड दे गॉट ट्रैप। द हंटर वॉज हैप्पी टू सी सो मेनी पिजन्स, ओके। आज हम लोग को यहाँ तक पढ़ना है, ओके। तो सबसे पहले मैं एक बार आपको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, हम लोग ने ये स्टोरी में क्या देखा था? द हंटर एंड द पिजन, ओके। तो क्या होता है? तो पिजन का फ्लॉक ऑफ फ्लाइंग पिजन, मतलब उड़ते हुए पिजन्स के ग्रुप होते हैं, वो क्या ऐसे उड़ते रहते हैं, ओके। और वो क्या देखते हैं? जमीन पे ग्रेन्स बिछाए हुए है ना, स्कैटर्ड ऑन द ग्राउंड। कहाँ पे बिछाए हुए रहते? ग्राउंड में, ओके। क्या रहते?
पेंग्रेन्स जो पिजन लोग खाते हैं, सबको मालूम है ना पिजन, सब लोग ने देखे। उसके बाद वो ग्रेन्स देख के क्या करते हैं, उड़ते हुए नीचे आ जाते, ग्राउंड में आ जाते। ओके, क्यों आते नीचे, वो ग्रेन्स खाने के लिए। ओके, हम लोग ने देखा था ना, एंड दे फ्लू डाउन टू बिगेन टू ईट देम। ओके, वो खाने के लिए नीचे आ जाते। द हंटर हैड केप्ट द ट्रैप ऑन द स्पॉट। वो हंटर क्या किए रहते हैं, वो प्लेस पे जहाँ पे उन्होंने ग्रेन्स डाले रहते वहाँ पे क्या किए रहते हैं, ट्रैप बिछाया रहता है। ट्रैप मीन्स, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था है ना, ऐसा जो नेट होता है। ओके, वो उसमें बिछा हुआ ही रहता है, ठीक है, ग्राउंड में। नेक्स्ट, विच द पिजन्स डिड नॉट सी। और वो जो ट्रैप रहता है वो पिजन्स देख नहीं पाते। ओके, एंड दे गॉट ट्रैप, और इसी वजह से वो उस ट्रैप में अटक जाते। ओके, द हंटर वॉज हैप्पी टू सी सो मेनी पिजन्स। ओके, और जो हंटर रहता है, जो छुपके से देखते रहता है, हंटर, हंटर कौन है, ये शिकारी। ओके, सी द हंटर। ओके, और ये बहुत सारे क्या है, पिजन्स, हंटर्स, तो ये छुपके से पीछे से देखते रहता है। ओके, फिर देखने के बाद क्या होता है, वो बहुत खुश हो जाता है कि मुझे अभी इतने सारे पिजन्स मिलेंगे, क्योंकि इतने सारे पिजन्स उनके वो ट्रैप में अटक जाते। ओके, तो वो बहुत हैप्पी होते हैं। आप, हम लोग को भी ऐसे चॉकलेट मिलेंगे तो हम लोग कैसे हैप्पी होते हैं, होते हो ना, वैसे वो इतने सारे पिजन्स को देख के बहुत हैप्पी हो जाता है। ओके, फिर वो अपने मन में सोचने लगता है, वो क्या सोचता है कि ये सब पिजन्स मैं लूंगा और सिटी में जाके, सिटी मीन्स शहर में जाके उनको बेच दूंगा। ओके, समझ में आया सबको, वो क्या सोचता है कि वो सारे पिजन्स में लेके सिटी में जाके, सिटी मीन्स शहर में जाके बेच के आऊंगा। ओके, फिर जब भी वो सब पिजन्स वो ग्रेन्स खा लेते। ओके, फिर उनके वो ग्रेन्स खत्म हो जाते, फिर उनको क्या याद आता है कि उनके वो लोग एक ट्रैप में फंस गए थे। ओके, उनको समझ में आता है कि यहाँ पे ये ट्रैप बिछा हुआ है। वो सब लोग एक एक करके उड़ने का ट्राई करते हैं, लेकिन वो उड़ नहीं पाते। ओके, वो लोग कैसे धीरे धीरे आराम से एक 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 उड़ना चालू कर देते, लेकिन वो उड़ नहीं पाते, वो ये ट्रैप में अटक जाते। ओके, फिर उसमें से एक जन रहता है, उन्होंने क्या, वो लोग सजेस्ट करते हैं करके कि हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से प्लान करेंगे। ओके, सोच समझ के काम करेंगे। तो क्या काम करते हैं वो लोग, टीचर ने बताया था ना आपको, वो लोग कैसे वो अपनी खुद की हेल्प करते हैं, वो लोग क्या डिसाइड करते हैं कि हम लोग 1 2 3 के काउंट करने पे हम लोग एक साथ ट्रैप के साथ उड़ जाएंगे। ओके, वो जो ट्रैप रहता है वो ट्रैप को साथ में लेके हम लोग उड़ जाएंगे। ओके, तो इसी वजह से वो लोग काउंट करते 1 2 3, जैसे 3 काउंट होता है वो पिजन्स रहते हैं वो अपना पूरा पूरा अच्छे से पूरा जितना भी उनके पास ताकत है वो सब पूरा एक साथ ये करके यूज करके उड़ जाते हैं, एक साथ वो ट्रैप को साथ में लेके उड़ जाते। ओके, आप देख सकते हैं ये पिक्चर में वो जो पिजन्स रहे वो पूरे ट्रैप को लेके एक साथ उड़ गए, है ना, सब लोग को दिख रहा है ये पिक्चर में, वो जो ट्रैप रहता है वो उसी के साथ लेके उड़ जाते। ओके, फिर वो कहाँ पे जाते हैं, वो पूरा ट्रैप लेके उनका जो फ्रेंड है रैट, रैट यानी चूहा, सब लोग ने देखा है रैट, तो वो ट्रैप लेके कहाँ जाते हैं, रैट के पास, उनका दोस्त रहता है रैट। ओके, तो वो रैट और रैट की फैमिली वो सब लोग मिलके क्या करते हैं, उनके जो शार्प टीथ रहते हैं, रैट के टीथ कैसे होते हैं, शार्प होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो टीथ से जो भी ये ट्रैप है वो सब पूरा अपने शार्प टीथ से काट देते। ओके, फिर उसी की वजह से सारे पिजन्स अच्छे से बाहर निकलते। ओके, फिर पूरे पिजन्स उनके वो रैट की फैमिली और रैट को थैंक्स बोलते। ओके, सबको समझ में आया, तो हम लोग आज फिर से लर्न करेंगे। ओके, मैंने आपको बोला था करके कि हम लोग 2-2 लाइंस लर्न करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग ने जो पहले रिवाइज किया था 2 लाइंस वो पहले एक बार रिपीट करते। ओके, सबको समझ में आया, तो सबको स्टैंड होना है।
ओके, सबसे पहले आप सबको खड़े रहना है, फिर मैं वो टू लाइंस सिखाने के बाद आगे के टू लाइंस बोर्ड पे लिख के देती हूँ। ओके, स्टैंड एवरीवन, रेडी से माय स्टोरी नेम इज, आपको कैसे स्टार्ट करना है, से अगेन माय स्टोरी नेम इज द हंटर एंड द पिजन। ओके, कैसे बोलना है, रिपीट अगेन, माय स्टोरी नेम इज, से आफ्टर मी। ओके, सब लोग को आप मेरे पीछे बोलना है। ओके, पेरेंट्स आप लोग बच्चों को थोड़ा देख लीजिए कि बच्चे वो चीजें फॉलो कर रहे कि नहीं, ओके, ताकि उनको थोड़ा अच्छे से और समझ में आए। ओके, से अगेन द हंटर एंड द पिजन। ओके, रेडी से, वन डे, से लाउडली, वन डे ए फ्लॉक ऑफ, ओके, वन डे ए फ्लॉक ऑफ फ्लाइंग पिजन्स, ओके, फ्लाइंग पिजन्स मीन्स उड़ते हुए पिजन्स, से अगेन वन डे ए फ्लॉक ऑफ फ्लाइंग पिजन्स सॉ ग्रेन्स, ओके, वो क्या देखते, ग्रेन्स, ओके, सॉ ग्रेन्स, रेडी, स्कैटर ऑन द ग्राउंड, ओके, कहां पे बिछाया रहता है वो, ग्राउंड में। अगेन फिर से करें, वन डे ए फ्लॉक ऑफ फ्लाइंग पिजन सॉ ग्रेन्स स्कैटर ऑन द ग्राउंड, ओके, सीइंग द ग्रेन्स दे फ्लू डाउन एंड बिगेन टू ईट देम। ओके, वो क्यों आते नीचे, वो ग्रेन्स खाने के लिए। ओके, सबको समझ में आया, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, वन डे ए फ्लॉक ऑफ फ्लाइंग पिजन, सब लोग बोल रहे हैं मेरे बात, से अगेन, वन डे ए फ्लॉक ऑफ फ्लाइंग पिजन्स सॉ ग्रेन्स स्कैटर ऑन द ग्राउंड, ओके, सीइंग द ग्रेन्स दे फ्लू डाउन एंड बिगेन टू ईट देम। ओके, वो खाने के लिए के आते हैं नीचे, सबको समझ में आया, तो इसके बाद का हम लोग, मैं एक बार बोर्ड पे लिख देती हूँ स्टोरी, ओके, तो आपको रीडिंग करने के लिए, पढ़ने के लिए इजी हो। सो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ तक रीड कर चुके थे, इसके आगे की स्टोरी मैं आपको बोर्ड पे पहले लिख के बताती हूँ, फिर हम लोग रीडिंग करके वो लर्न करेंगे। ओके, स्टार्ट। मैं आपको टू लाइंस के बाद वाली स्टोरी लिख के बता रही हूँ। ओके, स्टोरी नेम, रिपीट आफ्टर मी, द हंटर, से लाउडली, द हंटर हैड, ओके, द हंटर हैड केप्ट, ओके, द हंटर हैड केप्ट द ट्रैप ऑन द स्पॉट। Which the pigeons did not see, okay, and they got trapped.
ओके द हंटर वॉज हैप्पी टू सी सो मैनी पिजन्स ओके स्टार्ट करें रीड आफ्टर मी ओके द हंटर से लाउडली द हंटर हैड कैप्ट ओके द हंटर हैड कैप्ट द ट्रैप ओके द ट्रैप ऑन द स्पॉट ओके से अगेन द हंटर had kept the trap on the spot okay next which the say loudly which the pigeons okay which the pigeons did not see okay did not see वहाँ पे जो hunter ने cap बिछाया हुआ था वो ट्रैप बिछाया हुआ था वो पिजन्स देख नहीं पाते ओके एंड दे गॉट ट्रैप ओके एंड दे गॉट ट्रैप ओके इसीलिए वो उसमें वो ट्रैप में अटक जाते ओके अगेन द हंटर से अगेन द हंटर हैड कैप्ट द ट्रैप ऑन द स्पॉट वो जो शिकारी रहता है जो हंटर रहता है वो उस प्लेस पे क्या रखता है ट्रैप बिछाया हुआ रहता है विच द पिजन्स डिड नॉट सी ओके जो पिजन्स देख नहीं पाते एंड दे गॉट ट्रैप इसके लिए वो उसमें अटक जाते ओके द हंटर से लाउडली द हंटर वॉज happy okay the hunter was happy to see so many pigeons okay wo hunter kya hota hai wo pigeons ko dekh ke bahut happy ho jata hai khush ho jata hai okay again the hunter was happy to see so many pigeons okay sabko samajh mein aaya ek bar fir se hum log reading kare The hunter had kept the trap on the spot, which the pigeon did not see, and they got trapped. The hunter was happy. To see so many pigeons. Okay? तो हम लोग को आज यही तक स्टोरी रीड करनी है लर्न करनी है ओके फर्स्ट से लेके पूरा यहाँ तक ओके इसके बाद की स्टोरी हम लोग बाद में करेंगे ओके तो फिर से एक बार हम लोग रिपीट करें स्टार्ट वन डे विद एक्शन ऑफ वन डे ए फ्लॉक ऑफ से अगेन वन डे A flock of flying pigeons saw grains scattered on the ground. Seeing the grains, they flew down and began to eat them. Okay? The hunter had kept the ट्रैप ऑन द स्पॉट ओके कैसे करना है द हंटर हैड कैप्ट ट्रैप ऑन द स्पॉट विच द पिजन्स डिड नॉट सी ओके विच द पिजन्स डिड नॉट सी एंड दे गॉट ट्रैप ओके वो ट्रैप में अटक जाते ओके द
the hunter, okay, the hunter was happy to see so many pigeons. Okay, सबको समझ में आया? फिर से हम लोग explain करेंगे again. कैसे हम लोग को बोलना है? My story name is, say loudly, my story name is the hunter and the pigeon. Okay, start करें. Repeat after me. One day, say again, one day, a flock of flying pigeons saw grains scattered on the ground. Seeing the grains, they flew down and began to eat them. Okay? The hunter had kept the trap on the spot. Okay? The hunter had kept the trap on the spot, which the pigeons, okay, which the pigeons did not see, okay, and they got trapped. कैसे करना है? And they got trapped. Okay, the hunter was very happy to see so many pigeons. Okay, वो हंटर कैसे होता है? बहुत हैप्पी हो जाता है सारे पिजन्स को देख के. ओके, सबको समझ में आया? आगे एक बार हम लोग फिर से करेंगे, उसके बाद वाला हम लोग नेक्स्ट करेंगे. ओके, वन डे, से लाउडली, वन डे ए फ्लॉक ऑफ फ्लाइंग पिजन्स सॉ ग्रेन्स स्कैटर ऑन द ग्राउंड. Seeing the grains, they flew down and began to eat them. Okay? The hunter had kept the trap on the spot, which the pigeons did not see. Okay? And they got trapped. Okay? The hunter was happy to see so many pigeons. Okay? यहाँ तक हम लोग ने रीडिंग किया पूरा, so many pigeons. तो यही आपको पूरा इतने फोर लाइन आपको अच्छे से लर्न करना है. ओके, डेली आपको ये लर्न करना है. ओके, क्योंकि जब भी हम लोग का स्टोरी का एग्जाम होगा तो आपको ये डिफिकल्ट ना हो, इसके लिए डेली के डेली आपको क्या करना है? ये लर्न करना है. ओके, थोड़ा थोड़ा लर्न करना है, अपने मम्मी पापा को आपको स्टोरी बोल के सुनाना है. ओके, पोयम एंड स्टोरी. सबको समझ में आया? इसके आगे की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ओके, सो बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू, टेक केयर.